नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कवरअप करने वाले हैं उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। तो इस वीडियो के माध्यम से इकाइनोडर्मेटा चैप्टर से पूछे गए जितने भी क्वेश्चन अब तक के बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का एक शानदार श्रृंखला है। इस वीडियो के माध्यम से इकाइनोडर्मेटा चैप्टर के TGT, PGT, CSIR नेट, JRF और UPPSC, LT ग्रेड और DSSSB जैसी परीक्षाओं के क्वेश्चन का एक साथ संग्रह है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। चूँकि आपका एग्जामिनेशन करीब है तो प्रत्येक वीडियो एक मैराथन क्लास के तहत लीजिएगा और हर एक वीडियो में उस चैप्टर से जितने पूछे गए क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? तो राइट आंसर इसका क्या होना है, तो ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्म्स इज द राइट आंसर। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, जल समान तंत्र की उस उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इस तंत्र से संबंधित मेड्रिपोराइड द्वारा जल प्रवेश करता है तथा ट्यूब फीट जिसको नालपाद बोलते हैं लोकोमोशन में सहायता करता है। इसके द्वारा भोजन ग्रहण तथा श्वसन क्रिया भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एक्सप्लेन में बताता हूँ, उस पर भी विशेष फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल आपके सामने है, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो क्वेश्चन क्या है, जल संवहन तंत्र किसका एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्टेरियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के इंग्लिश को भी कवरअप करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ फीचर ऑफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस्टेरियस इज द राइट आंसर। एस्टेरियस जिसको क्या नाम देते हैं, स्टारफिश या तारामीन भी बोलते हैं, संघ इकाइनोडर्मेटा का अपृष्ठवंशी प्राणी है, मीन टू से नॉन कार्डेट, जो केवल समुद्री जल में पाया जाता है। इनमें गमन के लिए ट्यूब फीट से संबंधित एक जल समान तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें मेंट्रीपोराइड से होकर समुद्री जल बहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, मेंट्रीपोराइड संबंधित हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी तारामीन में जल समान तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन क्या है, मेड्रिपोराइट इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश इज द राइट आंसर। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में जल संवहन तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। तारा में यानी स्टारफिश इस संघ का एक जंतु है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं। इसके डार्सल सरफेस पर केंद्र से थोड़ा किनारे प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे मेड्रिपोराइट कहते हैं। इसके महीन छिद्र जल संवहन तंत्र में खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री कुकुम्बर, जो कि हिंदी में समझ में ना आया हो तो चलिए इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं शानदार तरीके से। ये रहा क्वेश्चन इन इंग्लिश, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन बढ़िया और लाजवाब है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। राइट आंसर इसका होना है ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर। समुद्री कुकुम्बर जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम होलोथ्यूरिया है। क्या है, होलोथ्यूरिया भी बोलते हैं इसको। तो विकल्प में दिए गए जो अन्य जंतु हैं वो संघ सिलेंट्रेटा में सम्मिलित है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से। ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन कौन इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर। इसके इंग्लिश वर्जन को भी कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विच वन इज एन इकाइनोडर्म, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी उमेंगे नहीं कि एक टाइप के क्वेश्चन कई बार क्यों दिया जा रहा है। एक्चुअल में दिया जा रहा है इसलिए कि ये क्वेश्चन अलग अलग जैसे TGT PGT GIC और तमाम प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं होना है। बल्कि कई बार अगर आ रहा है क्वेश्चन तो आपका रिपीट ही हो रहा है, तो इसके लिए आप इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, तो राइट आंसर क्या होना है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, कौन कौन सा, ए और बी, मीन टू से जल संवहन तंत्र और हिमल तंत्र दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को आपके सामने रखते हैं। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज, राइट आंसर इसका होना है क्या, ऑप्शन नंबर सी बोथ द एबव, मीन टू से वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड हीमल सिस्टम इज द राइट आंसर। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहन तंत्र, हीमल तंत्र तथा पेरी हीमल तंत्र विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन तंत्रों का निर्माण इनकी वास्तविक सीलोम गुहा से होता है। हीमल तथा पेरी हीमल तंत्र रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करते हैं तथा जल संवहन तंत्र लोकोमोशन भोजन को पकड़ने तथा श्वसन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, बड़ा ही आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हीमोसिलिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन देखिएगा और क्वेश्चन को प्रॉपरली आप देखिए, हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, तो चार ऑप्शन में दिया है लेकिन इसके आंसर में संदेह है, इसको हम बताते हैं। पहले इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन को भी कवर कर लें तो आपको बताएं। क्वेश्चन देखिएगा इन इंग्लिश, हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ, तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिला है। राइट आंसर में कन्फ्यूजन है, तो देखिएगा कन्फ्यूजन क्या है। एक्चुअल में क्या है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में रुधिर संवहन तंत्र यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हीमल तंत्र व पेरी हीमल तंत्र पाया जाता है। यह ओपन प्रकार का होता है यानी खुले प्रकार का होता है तथा यह सिलोम से उत्पन्न होता है। संघ आर्थोपोडा तथा मोलस्का में खुला तंत्र होता है जिसे हीमोसील कहते हैं। तो क्या बताया गया, आर्थोपोडा तथा मोलस्का। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए इसके राइट आंसर में हम ऑप्शन नंबर ए लगाएं कि ऑप्शन नंबर बी लगाएं, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बिल्कुल आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है, देखिए, एक जंतु जिसमें वयस्क अरीय सममित दिखाता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एस्टेरियस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एन एनिमल विच इज रेडियली सिमेट्रिकल बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, राइट आंसर इसका होना है क्या, ऑप्शन नंबर सी एस्टेरियस इज द राइट आंसर। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में लार्वावस्था में द्विपार्श्व सममिति यानी बाइलेटरल सिमेट्री होती है परंतु वयस्क अवस्था में यह अरीय हो जाती है। एस्टेरियस इसी संघ का जंतु है जिसे सामान्यतः तारा मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियरली चारों ऑप्शन विजिबल हो सके। ये रहा क्वेश्चन, वर्ग बाइवाल्विया को भी कहते हैं, को के बाद वो डॉट 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 मतलब क्या कहते हैं, इसको एक और नाम देते होंगे, तो इसमें से राइट आंसर आपको क्या लगता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहली सिपोडा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा,
क्लास बाइवेल्यूवा इज आल्सो कॉल्ड, राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पहली सीपोडा इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्क बाय वाल्यूवा को पहली सीपोडा या लैमली ब्रैंकिएटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली सीपोडा या लैमली ब्रैंकिएटा, किसको? वर्क बाय वाल्यूवा को। इनमें कवच दो भागों से बना होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यूनियो आते हैं और पिंक्टेडा, ये सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस का प्राथमिक पोषद है कौन सा होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल सहज तरीके से। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा। प्राइमरी होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस एक परजीवी जंतु है, यह कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों आदि की आंत में परजीवी रूप में रहता है जो कि इनका प्राथमिक पोषद है। कभी कभी मनुष्य भी इनका पोषद होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक बिल्कुल शानदार क्वेश्चन और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपके सामने है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका होना है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? चबाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अरिस्टोटल्स लैंटर्न इज कनेक्टेड विथ, राइट आंसर इसका होना है ऑप्शन नंबर बी, मैस्टिकेशन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मैस्टिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु की लालटेन इकाइनोडर्मेटा संघ के वर्ग इकाइनाडिया, ठीक है, इकाइनोडिया भी बोलते हैं, कि जंतुओं जैसे इकाइनस जिसको समुद्री आर्चिन इसमें पाई जाती हैं। यह इसका चबाने का यानी मैस्टिकेटरी ऑर्गन है जो चलने में भी सहायता करती हैं। इसका आकार ग्रीक के प्राचीन समुद्री जहाज़ों की लालटेन से मिलने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरस्तु का लालटेन या अरिस्टोटल लैंटर्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आप हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर आपको लिखना है। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अरस्तु लालटेन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 12 का क्या होगा आप तुरंत लिखें। इसके इंग्लिश वर्जन को हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। अरिस्टोटल लैंटर्न आकर्षण, डियर स्टूडेंट हम आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखने के लिए कहते हैं कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लिखते टाइम क्या होगा कि आप एक्टिव रहेंगे, वीडियो के हर क्वेश्चन पे आपका प्रॉपर जो है ध्यान जाएगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर लिखने के लिए कहते हैं ताकि आप फिजिकली भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहें और जो चीज़ें आप वहाँ लिखेंगे ना वो परमानेंट आपके लिए याद भी हो जाएगा। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर आप वीडियो को पास कर लिख दिया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके सामने है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अरस्तु की लालटेन किस वर्ग का लक्षण है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवरअप कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, अरिस्टोटल्स लैंटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, तो राइट आंसर आई थिंक यू आर क्लियर, राइट आंसर क्या होना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, हम बताएंगे नहीं इसका राइट आंसर। आप कहीं से भी ढूंढ के या कैसे भी, इसके पीछे भी इस पर चर्चा किया जा चुका है, तो आप बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, सितारा मछली किस मछली का श्वसन अंग है? बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होना है ऑप्शन नंबर डी, पेपुली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं और फिर इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि तीन चार क्वेश्चन इस पर और बन सके। क्या क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टारफिश आर, राइट आंसर क्या होना है ऑप्शन नंबर डी, पेपुली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हो गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेपुली।
तो चलिए इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। सितारा मछली के शरीर का आकार तारा जैसे होता है। इसके शरीर में डिस्क और पांच भुजाएं होती हैं जो कड़े प्लेट से ढकी रहती हैं। इनके ऊपरी सतह पर कांटेदार रचनाएं होती हैं। इनके मध्य त्वचीय ब्रैंकी यानी डर्मल ब्रैंकी या पैपुली उपस्थित होता है जो श्वसन एवं उत्सर्जन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एपी मार्कोसिस, मार्कोसिस तो नहीं होना चाहिए, एपी मार्कोसिस होगा, सॉरी, एपी मार्कोसिस का तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एपिमॉर्फोसिस इज, तो इसका राइट आंसर क्या होना है ऑप्शन नंबर बी, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इज द राइट आंसर। शरीर के किसी कटे हुए भाग का फिर से पुनः बन जाना क्या कहलाता है, एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे तारामीन, जबकि किसी एक कटे हुए भाग से पूरे जीव का बन जाना मॉर्फोलेक्सिस कहते हैं। जैसे अमीबा और हाइड्रा, दोनों में बड़ा अंतर है, आप क्लियर रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्लियरली, आप सुनिए इसको, कि शरीर के किसी कटे हुए भाग का फिर से बन जाना एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल तारामीन है, जबकि किसी एक कटे हुए भाग से पूरे जीव का बन जाना मॉर्फोलेक्सिस कहलाता है, जैसे अमीबा और हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यह रहा आपके सामने, देखिएगा तारा मछली के अंडे होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, होमोलेसिथल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवरअप करते हैं बेहतरीन तरीके से। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन, देखिएगा, द एग्स ऑफ स्टार फिश आर, राइट आंसर इसका क्या होना है ऑप्शन नंबर ए, होमोलेसिथल इज द राइट आंसर। तारा मछली के अंडे होमोलेसिथल होते हैं, जिसमें योक पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होता है, यद्यपि इसमें याक की मात्रा कम ही होती है, योक मतलब पीत की मात्रा कम होती है। तो विकल्प में होमोलेसिथल होने पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल तंत्र का प्रमुख कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को भी कवरअप करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज, मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज, राइट आंसर इसका होना है ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट इज द राइट आंसर। एम्बुलेक्रल तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। इसमें ट्यूब फीट यानी चलन पाद नामक संरचना होती है, जिसका प्रमुख कार्य चलन में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त यह श्वसन तथा भोजन के शिकार में भी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी शानदार तरीके से, ये रहा आपके सामने बिल्कुल, देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइड मैंस बॉडीज तारामीन के एम्बुलेक्रल लैक्रल सिस्टम के विशेष भागों में से एक हैं तथा इसके निकट साहचर्य में स्थित रहती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वलय नाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश पार्ट को भी कवरअप करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, टाइड मैन बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ द स्टार फिश एंड आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिंग कैनाल इज द राइट आंसर। टाइड मैन बॉडीज के सामान्यतः रेसिमोज ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेसिमोज ग्रंथि भी कहते हैं। ये पीले रंग की छोटी थैलीनुमा संरचना होती है जो कि अंदर की तरफ रिंग कैनाल में खुलती हैं। स्टोन नाल जहाँ पर रिंग कैनाल में खुलती हैं वहाँ पर एक टाइड मैंस बॉडी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ये रहा आपके सामने थोड़ा बड़ा करके। क्वेश्चन देखिएगा, एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल छोड़ती हैं, तो राइट आंसर इसका जो होना है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को। तो क्वेश्चन के इंग्लिश पार्ट को भी कवरअप करते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट्स द, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेट्रीपोराइट एंड रिंग कैनाल इज द राइट आंसर।
स्टारफिश की जल संवहन प्रणाली हाइड्रोलिक सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रणाली के माध्यम से स्टारफिश की गति, भोजन ग्रहण, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया संचालित होती हैं। स्टारफिश के जल संवहन प्रणाली में मैंड्रिपोराइट एवं स्टोन कैनल, रिंग कैनल, रेडियल कैनल एंड लेटरल कैनल, पोलिनियल वेसिकल, टाइड मेंस बॉडीज आदि सम्मिलित हैं। स्टोन कैनल मैंड्रिपोराइट तथा रिंग कैनल को जोड़ती हैं। मैंड्रिपोराइट से जल का प्रवेश होता है, इसके बाद स्टोन कैनल द्वारा रिंग कैनल में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा की लार्वा अवस्था है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है आपका, नंबर ए डालियोलेरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, वो भी सहज लैंग्वेज में। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डालियोलेरिया इज द राइट आंसर। चलो इस पर थोड़ा बात करें, पहले इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में सीलिएटेड यानी सीलिया युक्त तथा द्विसममित यानी बाइलेटरल लार्वा अवस्था पाई जाती है। संघ इकाइनोडर्मेटा के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लार्वा कई होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं इसको आप देखिएगा। पहला बाइपिनेरिया या ब्रैंकियोलेरिया, क्या हमने बताया पहला क्या हो जाएगा बाइपिनेरिया या ब्रैंकियोलेरिया। दूसरा है आफियोल्यूप्टस, तीसरा है प्ल्यूटस और चौथा है इकाइनोप्ल्यूटस, पांचवा है डालियोलेरिया और छठा है आरिकुलेरिया। अगर आपको क्लियरली समझ में ना आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से इसी को रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी शानदार तरीके से, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन है मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, मीसोडर्मी होगा, मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए रेत डालर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि हिंदी में कम समझ में आ रहा होगा तो चलिए इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं आसान तरीके से। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, द मीसोडर्मल कैल्सेरियस इंडोस्केल्टन इज फाउंड इन, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैंड डॉलर इज द राइट आंसर। पोरीफेरा संघ के सदस्यों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल होते हैं जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, किंतु ये द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनका शरीर संगठन ऊतकी स्तर का होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनका शरीर संगठन आर्गन लेवल का होता है। इनमें मीसोडर्मी कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है सैंड डॉलर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैंड डॉलर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल सहज लैंग्वेज में क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इकाइनोडर्म के प्लूटस लार्वा का लक्षण है। बढ़िया क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, प्लूटस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ, राइट आंसर होगा क्या नन ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटस लार्वा जो कि कुछ इकाइनोडर्म में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है इकाइनोडर्म में पाया जाता है, और उसमें जो दिए गए लक्षण इसमें चारों हैं, उसमें से तीनों हैं, इसमें से कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सहज लैंग्वेज में ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, निम्नलिखित में कौन स्टारफिश की लार्वा अवस्था है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए प्लेनुला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को कवरअप करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए प्लेनुला इज द राइट आंसर। प्लेनुला लार्वा अवस्था मुख्यतः निडेरिया संघ के प्राणियों में पाई जाती हैं। तो इस जो प्रश्नों में दिया गया है, अन्य लार्वा अवस्था स्टारफिश यानी इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से पूरा जो है, अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कार्डेटा,
और कार डेटा को भी हम कैटेगराइज वाइज बांटेंगे, जैसे प्रोटो कार डेटा पहले सबसे लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कार डेटा के अंतर्गत प्रोटो कार डेटा को पूरी कंप्लीट चैप्टर के साथ। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।